हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल गुम है किसी के प्यार में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर भवानी काकू माफी मांगते नजर आएगी सई से। दरअसल आने वाले एपिसोड में फाइनली सई की प्रेगनेंसी का खुशखबरी घर वालों को सुनाने वाले हैं सई, और पुलकित इसका कन्फर्मेशन देते नजर आएगा। लेकिन भवानी काकू के होश तो तब उड़ेंगे जब यहाँ पर पत्र लेखा का साजिश सामने आएगी। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलने वाला है कि पत्र लेखा बुरी तरह से यहाँ पर झूठ बोल रही है और ये सच का बोलने को तैयार ही नहीं है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। और अगर यहाँ पर सच्चाई सामने आ जाएगी तो उसके टैंट्रम यानी कि उसके नखरे कौन उठाएगा और कैसे वो विराट के करीब जाएगी। देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर पत्रलेखा जब लौटकर वापस आती है तो उसकी मॉम भी यानी वैशाली भी पहुँचती है, और वैशाली पत्रलेखा को समझाने की कोशिश करती है कि तुम विराट और सई के बीच में जो सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हो उनको सबको छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर जब अगर सच्चाई सामने आ गई कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो ही नहीं तो सई और घर वाले तुम्हारा क्या हाल करेंगे, तुमने सोचा है कभी? लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है कि भवानी काकू पत्रलेखा का हाल चाल जानने के लिए उनके करीब पहुँचती है, उनके कमरे में जा रही होती पत्रलेखा की, और वो सुन लेती है वैशाली और पत्रलेखा की बातें, जिसके बाद भवानी काकू के होश उड़ जाते हैं। भवानी काकू यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है और तमाशा तो अब शुरू होगा। देखने को मिलने वाला है भवानी काकू यहाँ पर पत्रलेखा पर चिल्लाते नजर आई तो वही विराट और सही से खासकर माफी मांगते नजर आने वाली है, और यही बात कहने वाली है कि मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा कर ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तक जिसे मैं इस घर के लिए सबसे अच्छी सबसे बेस्ट बहू मानती थी और मुझे लग रहा था कि ये घर के लिए बड़ी कुर्बानी दे रही है, लेकिन ये तो अपनी खातिर फिर से साजी से रच रही है। शर्म भी नहीं आई कि सम्राट के चले जाने के बाद ऐसा कुछ ये कर सकती है, और सम्राट था तब भी इसके यही नौटंकी थी। शायद वो विराट के लिए यहाँ रुकी हुई थी, और अब ये बच्चे नहीं होने के बावजूद भी इसने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया है। और वो भवानी काकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सई उन्हें संभालते नजर आती है। फाइनली पत्रलेखा का सच सामने आने के बाद अब पत्रलेखा से सबका भरोसा उठ जाएगा।